नमस्कार। आज फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कोफ्ते। ये है लौकी के कोफ्ते और इन कोफ्तों में ख़ास बात ये है कि इसे मैंने बिना फ्राई किए हुए बनाया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं और एक चम्मच से भी कम तेल में इसे मैंने तैयार किया है। तो ये है आज की स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी। और कोफ्ते खाने को भी मिल जाएं और बहुत ही कम तेल में, इस तरह के कोफ्ते आप चाहें तो हर रोज़ बना बना के खा सकते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए, तेल कम डालने से ये नहीं है कि कोफ्ते का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो टेस्ट जो आता है वो नमक और मसालों का होता है, तेल का नहीं। तो इस तरह से आप एक चम्मच तेल में देखिए कितने बढ़िया कोफ्ते, एक सॉफ्ट स्पंजी कोफ्ता बन के तैयार हुए हैं। तो इसके लिए जो जो टिप्स और ट्रिक्स हैं मैं साथ साथ बताती जाऊंगी और आप एक एक टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी इस तरह के टेस्टी टेस्टी कोफ्ते बिना तेल के बहुत ही कम तेल में बना सकते हैं। तो आप इसे ना के बराबर इसमें तेल होगा तो बिना तेल के भी इसे कोफ्ते कह सकते हैं। तो चलिए, कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं लौकी। ये है आधा किलो के करीब है लौकी। तो फर्स्ट स्टेप तो है कि लौकी को हम सबसे पहले, सबको ही पता है, इसको छीलना है और छीलने के बाद में इसे धो के हम कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के लिए मैं इसके दो पार्ट कर लूँगी। तो दो पार्ट में छोटा पीस होगा वो कद्दूकस करने में आसान होता है और हमें इसे मोटी साइड से कद्दूकस करना है। मोटे मोटे लच्छे से निकलेंगे, उस तरह के कोफ्ते खाने में अच्छे लगते हैं और लौकी का भरपूर फ्लेवर आता है। ज़्यादा बारीक कद्दूकस करेंगे तो लौकी ज़्यादा पानी छोड़ती है और मोटी साइड से करेंगे तो कम पानी छोड़ती है, इसमें ये भी एक टिप है। तो इस तरह से अब हम इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो दबा के हाथों से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और अगर बेसन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोफ्ते बनते हैं सख्त। तो ये हमारा दूसरा टिप है आज का। फर्स्ट टिप, मोटा मोटा कद्दूकस करें, और दूसरा टिप है, और सेकंड टिप है कि लौकी को बेसन जो है डालना है हमने कोफ्ते बनाने के लिए, वो बहुत कम। तो लौकी कद्दूकस हो चुकी है तो चलिए अब बेसन डालते हैं और मसाले जो जो इसमें हम डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसन डालेंगे, ये चम्मच लिया है मैंने, तो दो चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग में। बेसन जब भी डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। तो शुरुआत में मैंने सिर्फ दो चम्मच बेसन डालने हैं और दो कटी हुई हरी मिर्च बारीक डाली है। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं, ये है प्याज डालने वाली हूँ मैं, ये है दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। कोफ्ते में प्याज का शायद आप नहीं डालते होंगे लेकिन इस तरह कटे हुए प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कोफ्ता ज़्यादा टेस्टी बनता है और ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे बारीक बारीक काट लेना है। तो अगर आप नहीं डालते तो एक बार ज़रूर ट्राई करें कोफ्ते इस तरह से। और अब इसमें डाल लेते हैं कसूरी मेथी, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल लिया है। और ये है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चुटकी मीठा सोडा खाने वाला। तो इसे हमने सिर्फ एक चुटकी ही डालना है, इससे कोफ्ते सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चुटकी ही डालनी है। और ये है नमक आधा चम्मच, नमक आप स्वादानुसार मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। और दो चुटकी डाल लिया है हमने इसमें हींग। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये लास्ट में एक गरम मसाला आधा चम्मच। अब ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनने वाले हैं। तो चलिए अब इसकी
मिक्सिंग कर लेते हैं। और अगर हमें लगेगा कि बेसन कम है, क्योंकि अभी हमने बहुत कम डाला है, सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं, अभी इसमें और ज़रूरत रहेगी, लेकिन मैं मिक्स करने के बाद इस तरह से डालती हूँ। बेसन को कभी भी एक साथ ना डालें, बेसन हमें इतना डालना है जिससे कोफ्ते की बाइंडिंग आसानी से हो जाए। और इस तरह से जो कोफ्ता बनता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रेवी को पूरा सोख करता है और डाइजेस्ट करने में हल्का होता है। एक तो उसमें बेसन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे हम तेल का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होगी। अब 1 चम्मच बेसन मैंने इसमें बड़ा और डाल लिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद ही हमें लगता है कि हम अब इसमें ज़रूरत और है कि नहीं है। सिर्फ इतना बेसन डालना है कि जिससे लौकी की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, ज़रूर से ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। बेसन डाइजेस्ट करने के लिए भी हैवी होता है, और उससे ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्ते हमेशा टाइट बनते हैं, सख्त बनता है, वो ग्रेवी सोख नहीं करते हैं, ये कारण होता है जो कोफ्ते सख्त बनते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें और डाल लिया है। तो हमने कोफ्ते बनाने के लिए टोटल 4 चम्मच बेसन इस्तेमाल किया है और 1/2 किलो लौकी के लिए। तो अब इसमें जो है बाइंडिंग के लिए प्रॉपर तैयार है, और बहुत अच्छे से थोड़ा टाइट रखना है ताकि गोल गोल कोफ्ते बन के तैयार हों। अगर आपका ये लूज़ रहेगा तो कोफ्ते गोल नहीं बनेंगे, तो थोड़ा उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बना लेते हैं इस तरह गोल गोल लड्डू की तरह, इस तरह हाथों से लपेट लेंगे और गोल गोल कोफ्ते बना के हम तैयार कर लेंगे। और इस तरह हमने सारे कोफ्तों को एक साथ बना के प्लेट में रख लेना है। लीजिए, कोफ्ते सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब है इनके फ्राई करने की बारी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एकदम गोल गोल कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। और इस तरह से आप इन्हें, अगर आपको ग्रेवी वाले कोफ्ते नहीं खाने हैं तो स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ स्नैक्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये है मेरा अप्पे पैन, इसे मैंने 2 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, और अब ब्रश की मदद से हम इसमें लगा रहे हैं तेल। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ थे गीले, और जैसे ही मैं तेल लगाना शुरू किया, हाथ से पानी इसमें गिर के चटक के तेल सारे फैल गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी गीले तेल का जब काम कर रहे हो तो हाथ गीले नहीं होने चाहिए। तेल मैंने इसमें 1-2 बूंदें ही डाली है, लेकिन जैसे ही वो पानी गिरा हाथ से तो उससे ये फैल गया, चटक के बाहर आने लग गया। तो अब हमने जितने भी कोफ्ते बनाए हैं इसे मैं बाहर की साइड से डालना शुरू करेंगे पैन में, क्योंकि सेंटर से पैन ज़्यादा हीट होती है, वो जल्दी कुक हो जाता है और बाहर वाले लेट कुक होते हैं। तो इसलिए बाहर से आउटसाइड से डालना शुरू करें, सेंटर वालों को सबसे लास्ट में। तो सारे कोफ्ते हमने इसमें डाल लिए हैं। ये है एक मीडियम साइज़ का आलू, मेरे पास जो 3 खाने खाली रह गए हैं, तो इसके मैंने गोल गोल स्लाइस कर लिए हैं, 3-4 स्लाइस बने हैं पतले पतले। वो इसके आलू को भी हम कोफ्ते के साथ ही बेक कर लेंगे। अब हमने इसे ढक्कन लगा के कुक करना है 1 से 2 मिनट तक, और बीच बीच में आप ढक्कन से ही लग जाता है कि कुक हो रहे हैं, तो इस तरह इसे चेक करते जाएं और इसे हल्का सा चाकू की मदद से ऐसे हिलाएंगे तो ये एकदम पलट जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हमने सभी कोफ्ते को पलट लेना है, और पलट पलट के चारों तरफ से इन्हें प्रॉपरली सेकना है। अब चाहें तो हल्का हल्का ऑयल इसमें ऊपर की लेयर में और लगा सकते हैं पलटने से पहले, तो उससे फिर वो नीचे से अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी प्रॉपर गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी होगा, तो चॉइस आपकी है। तो मैंने बहुत ही कम किया है कोफ्ते फ्राई करने के लिए, जो भी मैंने ब्रश से ऑयल इस्तेमाल किया है 1 चम्मच से भी कम तेल इस्तेमाल किया है। तो इस तरह मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि घी तेल भी कम लगता है और कोफ्ते खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे, जो सेंटर वाले हैं उसे बाहर ले जाएंगे और बाहर वालों को अंदर ले आएंगे, क्योंकि सेंटर वाला जो कोफ्ता है वो जल्दी क्रिस्पी होता है, क्योंकि आउटसाइड में हमारी कि हम मीडियम फ्लेम पे इसे सेक रहे हैं तो फ्लेम कम जाती है, तो इसलिए अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर कर लें। ये देखिए आलू भी प्रॉपर बेक हो गया है, बहुत अच्छे से कुक हुआ है। आलू जो है ऑप्शनल है,
मैं कोफ्ते में हमेशा एक आलू इस्तेमाल करती हूँ। आलू का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ासकर जो बेक्ड आलू है इस तरह का, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम अभी गैस पे रखते हैं, उलट पलट कर लेंगे चारों तरफ से, और तब तक कर लेते हैं कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार। ग्रेवी के लिए मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, काफ़ी बारीक है लहसुन, 2 हरी मिर्ची ली है, 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 लिया है अदरक का टुकड़ा। तो इसे हम चॉप कर लेंगे और बीच में कोफ्ते भी चेक करते जाएंगे। इसे पलते रहना है, घुमा घुमा के हमने चारों तरफ से इसे इसी तरह से सेक लेना है। कम तेल में या घी में जो हम खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन खाना हेल्दी होता है। तो ये मैंने ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ खड़े मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और छोटा सा स्टार मसाले का टुकड़ा डाल लिया है। खड़े मसाले से जो हमारे कोफ्ते बनेंगे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। ये है जावित्री का टुकड़ा छोटा सा, और ये है बड़ी इलायची। इसे हम बीच में से क्रश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं थोड़ा। तो इस तरह जो खड़े मसाले डाल के हमारी जो सब्ज़ी बनेगी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस स्टाइल से, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और चलिए अब इसमें डाल लेते हैं ये तेज़पत्र। अब इन्हें मैंने गैस का जो फ्लेम है अभी सिम पे रखा है, और इसे हल्की हल्की आंच पे भून लेंगे खड़े मसालों को। 2 से 3 मैंने डाल लिए इसमें लौंग, और ये मैंने 2 डाल ली है हरी इलायची। इसे भी मैंने छिलका उतार लिया है तो तभी इसका प्रॉपर फ्लेवर आएगा। और 1 बड़ा चम्मच अब इसमें हमने डाल लिया है जीरा। तो जैसे ही जीरा प्रॉपर खिल जाएगा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा। और ये डाल लिया 2 चुटकी हींग। मसाले हमेशा लो फ्लेम पे भुनेंगे तभी उनका प्रॉपर टेस्ट आता है, और लो फ्लेम पे भुनाई अच्छे से होती है मसालों की, इसलिए ही प्रॉपर टेस्ट देते हैं। अब ये चॉप्ड अनियन गार्लिक जो हमारा मसाला तैयार किया है ग्रेवी के लिए वो इसमें डाल लेते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी होता है, तो थोड़ा सा उसे सुखा लेंगे। और प्याज की भुनाई करते वक्त थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक। नमक डालने से प्याज की जो भुनाई है जल्दी होती है और बहुत ही जल्दी प्याज जो है कलर चेंज कर देता है। तो थोड़ा सा फ्लेम भी हम हाई कर लेंगे, मीडियम से कम और लो से ज़्यादा सेंटर में रखेंगे। और लो फ्लेम पे वैसे भी हम जो मसाले भूनते हैं उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, ना मसाले जलते और स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है सब्जियों में। तो इस तरह से 1-2 मिनट में ही प्याज की भुनाई हो जाएगी प्रॉपर। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, काफ़ी बढ़िया कलर आ गया है, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है मसाले का। और अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले डाल लेते हैं। मसाले की खुशबू भी अच्छी आ रही है, जब भुनाई अच्छी हो जाए तो लहसुन अदरक का जो खुशबू काफ़ी अच्छी आती है भुनने के बाद। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं ड्राई मसाले। ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1/2 चम्मच मेथी दाना पाउडर, और 1 चम्मच है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला है देगी मिर्च। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें मैंने तेल कम यूज़ किया है। आपको लग रहा होगा कि ड्राई है मसाला, लेकिन सब्जी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, सब्जी में जो टेस्ट आएगा मसालों का आता है। हाँ, कम तेल में थोड़ा सा ये है कि भुनने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जितनी भी कुकिंग करती हूँ कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल इस्तेमाल किया जाए। तो अब हमारे इसकी भुनाई हो चुकी है मसालों के साथ भी। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं टमाटर की ग्रेवी जो हमने पहले से तैयार कर रखी है। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसकी ग्रेवी तैयार कर ली है।
डाल लेते हैं इसमें टोमेटो प्योरी। तो आप टमाटर चाहें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक लौकी के जो कोफ्ते के लिए 3 टमाटर की ग्रेवी सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम इसे बनाए। इस तरह के मैंने जो है 3 टमाटर यूज़ किए हैं। अब इसे चला लेते हैं अच्छे से, और अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम पे कर लेंगे क्योंकि टमाटर में काफ़ी पानी है। टमाटर पकने के लिए मैंने आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, इससे टमाटर जल्दी कुक होगा, जल्दी गलेगा और ग्रेवी का कलर ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ में इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ हम मसाले की जो भुनाई करेंगे वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। तो इस तरह अब हमने इसे, मैं ढक के पका लूँगी थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक। और वैसे 1 मिनट में ही इसका टमाटर गल भी जाएगा क्योंकि हमने नमक ऐड कर लिया है, और फिर हम इसका पानी ड्राई करेंगे। तो चलिए तब तक देख लेते हैं कोफ्तों के क्या हाल हैं। कोफ्ते बहुत ही बढ़िया एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है कोफ्तों का। और अब हमारी जो है मसाला भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। टमाटर कुक हो चुका है, ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पे इसे सुखा लेंगे हम, बिल्कुल ड्राई करना है हमें। थोड़ा सा हल्का सा पानी इसे ड्राई कर लेते हैं। अब मसाला भी तकरीबन तैयार है ग्रेवी का, और कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। और तेल की बिल्कुल भी कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, आप उंगली लगा के देखेंगे तो उंगली में तेल लगेगा ही नहीं क्योंकि बहुत ही कम तेल में, ये दरअसल बेक्ड कोफ्ते कह सकते हैं आप इसे। तो मैंने अप्पे पैन में इसमें बेक कर लिया है। तो लीजिए मसाला भी तैयार है, टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो गया है और पानी टोटली सूख चुका है। अब हमने इसमें जो आलू डाला था ये बेक हो चुका है, तो इसे मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी इस तरह। और सबसे पहले हम इस टमाटर की जो हमने ग्रेवी तैयार किया है इसमें आलू को 1-2 मिनट तक इस तरह भून लेंगे। आलू पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से जो हम आलू डालते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कोफ्ते में। सिर्फ 1 छोटा सा आलू है, मुझे पसंद है, मैं इसलिए ज़रूर डालती हूँ। अगर आप चाहें तो चॉइस है, डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो कभी कभी कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई करना चाहिए, हमेशा अच्छा लगता है कुछ नया। तो इसलिए ट्राई करें नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोफ्ते बनाएं, इस तरह से आलू को बेक करके ज़रूर डालें। अब इसकी भुनाई आलू के साथ मसाले काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। ये है मेरे पास 700 ml के करीब पानी। तो इसमें मैं काफ़ी खुली ग्रेवी बनाने वाली हूँ क्योंकि कोफ्ते काफ़ी ग्रेवी सोक करते हैं। इस तरह आप हिला के देख लें आपको जैसे लग रहा है। देखिए अभी काफ़ी पतली लग रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। कोफ्ते जब इसको सोक करेंगे तो ग्रेवी हमेशा कम हो जाती है। तो हम इसे खाने वाले चावल के साथ, तो हमें थोड़ा लिक्विड से चाहिए ग्रेवी सी। आप थोड़ा ड्राई खाना पसंद करते हैं तो आप कम ग्रेवी रखें। अब इसमें मैंने नमक डाल लिया है 1 चम्मच। नमक का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है टमाटर भूनते हुए, प्याज भूनते हुए, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। देखिए अब 1 उबाल आ चुका है। अब आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेवी की ज़रूरत है। और 1 उबाल आने के बाद इसे मैं रख दूंगी ढक्कन के सिम पे। 2-3 मिनट तक हम इसे सिम पे पकाएंगे ताकि पानी और जो ग्रेवी मसाला है उसका अच्छा एक टेक्सचर तैयार हो जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए। और कोफ्ते भी तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी कोफ्ते बने हैं। अब 2-3 मिनट ग्रेवी को पकते हुए हो चुके हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं कोफ्ते, और अब हमें इसे फिर से ढक के पकाना है 2-3 मिनट तक।
उबाल आ चुका है। एक उबाल आने पे फिर इसे हम सिम कर देंगे और 3-4 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। उससे कोफ्ते में जो ग्रेवी है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरा टेस्ट जो है कोफ्तों में आ जाएगा। गैस का फ्लेम सिम कर देंगे और 3-4 मिनट जो हैं इसको हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कोफ्ते कितने बड़े हो गए हैं, पहले से डबल हो गया है। तो ग्रेवी भी कम हो गई हमारी, जितनी इसने ग्रेवी सोक करनी थी कर ली है। लेकिन अब हमें गैस का फ्लेम मैं बंद कर लूँगी। अभी जितना देर हम इसे ग्रेवी में कोफ्ते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये फूलते जाएंगे और ग्रेवी को सोक करते जाएंगे। जितना ठंडा होगा ग्रेवी उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। अब इसे मैंने हरी धनिया पत्ती 2 चम्मच बारीक कटी हुई डाल ली है और 1 चम्मच डाल लिया है गरम मसाला। देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी हो गई है और कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट, जैसे उंगली से आप दबाएंगे एकदम स्पंजी कोफ्ता बना है, सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट इस तरह का कोफ्ते तब बनते हैं जब आप इसमें बेसन कम रखेंगे और इससे हमें जो लौकी का भी टेस्ट आएगा और कोफ्ते खाने में हल्का भी होता है, डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करेंगे वो हैवी होता है और कोफ्ता ज़्यादा टाइट बनता है, सख्त बनता है, साथ में हजम करने के लिए भी भारी होता है। तो चलिए कोफ्ते सर्व कर लेते हैं, गर्मा गर्म कोफ्ते तैयार हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। तो लीजिए मैंने कर लिए हैं चावल के साथ कोफ्ते सर्व। हम चावल के साथ काफ़ी पसंद करते हैं कोफ्ते। कोफ्ता रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, परांठे पूरी के साथ भी, जिस तरह आप चाहें तो इसे हर तरह ही अच्छा लगता है। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम जैसे रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट है, स्पंजी। तो हमने चावल भी बना लिए हैं साथ में, ये चपाती भी और कोफ्ते। तो ये है हमारा लंच तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से